हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ वैष्णव देवी। तो आप सोच रहे होंगे वैष्णव देवी होगा कटरा के यहाँ पे, लेकिन ये कटरा के यहाँ पे नहीं है, ये मलाडी ईस्ट के यहाँ पे है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। यहाँ से मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि 5 मिनट का ही रास्ता है, तो मैं आपको वे भी दिखाऊँगी। हम पूछ के जाएंगे और फिर हम अपनी जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो ये आप स्टेशन देख सकते हो, स्टेशन यहाँ पे है। और फिर हम यहाँ से सीधा सीधा शुरुआत करेंगे, तो ये रास्ता आपको पकड़ना है। तो आप ये सीट वेल की बिल्डिंग देख सकते हो, और सुरभि बहुत ही फेमस है स्वीट्स और स्नैक्स के लिए। तो बस आप सीधे सीधे होते हुए चलते जाइए। आप जैसे जैसे सीधा आते हो, तो आपको ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दिखेगा, और यहाँ पे आपको ब्लू कलर के पत्रे दिखेंगे। तो वो पत्रे का जहाँ पे आपको दिख रहा है उसका फर्स्ट राइट लेना है अपने को। तो ये शैलेश निवास दिखेगा, इसका आपको ये राइट लेना है, थर्ड लेन वाला राइट। तो आपको ये DGS ग्रुप दिख रहा है, बराबर उसके सामने माता वैष्णव दिव्य धाम है। तो चलो प्रस्थान करते हैं मंदिर के दर्शन करते हुए। तो आप जैसे ही एंट्री करोगे, तो आपको जो प्रसाद या फूल कुछ भी चढ़ाना हो आप यहाँ से चढ़ा सकते हैं। और ये माता वैष्णव देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का यहाँ पे कार्यक्रम लिखा हुआ है, 24 तारीख को है, और वो है 24 तारीख को। थैंक यू। तो आप देख सकते हो ये लाइन के लिए है, पर फिलहाल अभी इतनी रश नहीं है, बट जब भी नवरात्रि आती है तो ये बहुत रश हो जाता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो अभी हम एंट्री लेंगे आगे से। सो अभी हम यहाँ से एंट्री करेंगे, तो चलो मेरे साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी गुफा बनाई हुई है, यहाँ पे आप लिखा हुआ है यहाँ से जाने के लिए। तो जैसे आपने अगर आप कटरा में गए रहेंगे तो ये वैसे ही बना हुआ है। तो ये अर्धकुंवारी है, माफ़ करना अगर इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया रहेगा। ये आप नीचे से भी जा सकते हो, और यहाँ से आपको एक एंट्रेंस भी दिया गया है। तो चलो यहाँ से चलते हैं। जय माता दी। तो आप देख सकते हो इतने में मैं आई हूँ, और अब यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं। तो ये है, बट तो ये अखंड ज्योत है लिखा हुआ, ये रहा अखंड ज्योत। और अब हम यहाँ से गुफा द्वार से हम प्रवेश करेंगे, जो हमको वैष्णव देवी के दर्शन होंगे। तो चलिए, आप देख सकते हो यहाँ पे पानी भी है आपके पैर धोने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो शिव शंकर की जी की मूर्ति लगी हुई है। और अगर आपको ये अभिषेक करना हो, आरती, चंडी पाठ, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे अभिषेक करना हो वार्षिक दूध का, तो 2000 में कर सकते हैं। फूल श्रृंगार प्रसाद घी सब 2000 में है, नंबर भी दिया गया है। ये है श्री नकपड़ा भैरवनाथ। कहा जाता है कि माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ की भी दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। अब हम स्टेकेस होते हुए जा रहे हैं ऊपर दर्शन के लिए। जहाँ पे बाबा भैरवनाथ का और हनुमान जी के यहाँ पे मूर्ति है। जैसे ही आपने
बाबा भैरवनाथ के दर्शन ले लिए, फिर आप नीचे उतर जाइए और फिर यहाँ पे नवदुर्गा के भी दर्शन होते हैं। तो चलिए नवदुर्गा के दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर सा ये बनाया है, तो आप ज़रूर आइए इस टेंपल में, क्योंकि बहुत ही अच्छा टेंपल है ये। तो आप देख सकते हो श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज यहाँ पे हैं, फिर दत्तात्रेय जी हैं, दत्ताजी भगवान, और जलाराम बापा और साई बाबा भी हैं। तो ये गुरु दरबार है। फिर जैसे मैंने कहा कि आप बढ़ोगे तो यहाँ पे सारे नवदुर्गा के यहाँ पे हैं, जैसे शैलापुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा। तो बहुत ही सुंदर सा ये बनाया गया है। फिर ये माता सिद्धेश्वरी, माता महागौरी, यहाँ पे चामुंडा देवी, यहाँ पे कालरात्रि, फिर यहाँ पे माता कात्यायनी। तो आप नवरात्रि में आके यहाँ पे दर्शन का लाभ कर सकते हैं, बट नवरात्रि के टाइम डेफिनेटली बहुत रश होता है और यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं, और आपको जो भी जमा करना हो, आपकी बैग्स और ये बेल्ट, आप इधर जमा कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आप अगर कटरा नहीं जा सकते हो, माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं जा सकते हो, तो आप मलाड ईस्ट में आप ज़रूर आ सकते हो, जैसे मेरे ब्लॉग में मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और जितना लाइक करोगे उतना शेयर करोगे, चैनल को उतना रीच मिलेगा। और मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग में। आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। सो अंटिल देन, बाय बाय।